हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। कैसे आप लोग? मेरा नाम है आकाश। आज की तारीख है 26 अगस्त 2023। शुरू करते आज का डेली करंट अफेयर। शुरू करेंगे हमेशा की तरह रिवीजन से। रिवीजन करेंगे 25 अगस्त का। पहले अश्विनी कुमार वैष्णव, इन्होंने भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की है बैंगलोर में। नोवा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस ये आयोजित किया गया है कहाँ पे? उदयपुर में। वर्ल्ड मॉस्किटो डे ये मनाते हैं 20 अगस्त को। G20 फिल्म फेस्टिवल ये अभी शुरू हुआ है मुंबई में। ICC मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? स्काई। स्काई मतलब क्या है? सूर्य कुमार यादव। दुनिया का पहला 3D अग्नि बाण रॉकेट ये कहाँ से छोड़ा गया है? श्रीहरिकोटा से, जो इसरो का लॉन्च पैड है। फीफा महिलाओं का वर्ल्ड कप ये जीता है स्पेन ने। मलाबार नवल एक्सरसाइज ये ऑर्गेनाइज की गई थी ऑस्ट्रेलिया में। पहला सवाल देखो, पहला सवाल है, रिसेंटली लूना 25 स्पेसक्राफ्ट ये चांद पे क्रैश कर गया, ठीक है, ये कौन से स्पेस एजेंसी का है? ठीक है, इसका सही जवाब है रॉस कॉस्मॉस। रशिया की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं रॉस कॉस्मॉस, ठीक है। रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। सुपारको, सुपारको ये कौन से देश की? स्पेस एजेंसी है, कमेंट कर लेना। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने चांद पे, साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसके पहले किसी भी देश ने चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की थी। इसके पहले चार देश गए थे, भारत चौथा देश बना है चांद पे जाने वाला। पहला देश है USA, रशिया और चाइना, उसके बाद आता है भारत। CNES ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, क्योंकि फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। CNSA ये स्पेस एजेंसी है चाइना की। चाइना के कौन है प्रेसिडेंट? शी जिनपिंग। मून मिशन देखते हैं और रिसेंट मिशन भी देखते हैं। पहला चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था? 2008 में 22 अक्टूबर। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया था? 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च किया? 14 जुलाई 2023 को और 23 अगस्त 2023 हिस्टोरिकल डे है भारत के लिए, जब भारत ने चांद पे साउथ पोल पे लैंडिंग किया, ठीक है। इंडिया फर्स्ट कंट्री टू डू सो, ओके। आगे गगनयान, गगनयान ये इसरो और HAL साथ ही साथ रशिया मिलके बना रहे हैं। इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है ये। निसार सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है देखो। लर्न एंड अर्न स्कीम, लर्न एंड अर्न ये स्कीम किसने लॉन्च की है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। स्कीम का डिस्कशन करेंगे देखो। पहला है केम, KEM, केरला ई मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है केरला सरकार ने। सीएम है पिनरे विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अपना कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लॉन्च की है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसके सीएम है। फ्रूट्स पोर्टल कर्नाटका एस सिद्धरमैया सीएम है। 14400 आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। सीएम कौन है आंध्र प्रदेश के? YSR जगनमोहन रेड्डी। बीच विजिल ऐप गोवा ने लॉन्च किया है। गोवा के कौन है सीएम? प्रमोद सावंत। चलो ऐप महाराष्ट्र, सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। कॉल योर कॉप ऐप लॉन्च किया है नागालैंड ने, इसके सीएम कौन है? निफ्यूरियो। नागालैंड पहली विधानसभा है पेपरलेस नॉर्थ ईस्ट वाली। आगे समृद्धि स्कीम किसने लॉन्च की है? दिल्ली सरकार ने। कौन है LG दिल्ली के? VK सक्सेना, ठीक है। अमृत वृक्ष आंदोलन ये लॉन्च किया है गोवा ने। गोधन न्याय योजना ये लॉन्च की छत्तीसगढ़ ने। सो शुभयात्रा स्कीम लॉन्च की है केरला ने। गृहलक्ष्मी स्कीम लॉन्च की है तेलंगाना ने। दीक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब HRD। आगे देखिए कुछ इंपोर्टेंट स्कीम ये लॉन्च की है मोदी जी ने। PM विश्वकर्मा स्कीम टू सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिसन, इसमें कौन कौन आता है? कारपेंटर, बोट मेकर, लॉकस्मिथ, गोल्डस्मिथ, प्लॉटर, स्कल्प्टर, कॉबलर, मैसन,
बार्बर, गार्डनर मेकर, इस तरह से। ठीक है, आगे है पीएम उषा स्कीम, ये अभी लॉन्च की है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। आगे है लखपति दीदी स्कीम, ये भी मोदी जी ने लॉन्च की है। ये है अमृत भारत स्कीम, अमृत भारत स्कीम में 508 रेलवे स्टेशन को रिडेवलप किया जाएगा, लगभग 24,470 करोड़ का खर्चा इसमें हो जाएगा। अगला सवाल है बीपीसीएल, बीपीसीएल के नए ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बने हैं? इसका सही जवाब है राहुल द्रविड़। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो निखत जरीन एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके ब्रांड एम्बेसडर है। और आप बताइए एनएमडीसी अंडर विच मिनिस्ट्री और इसके मिनिस्टर कौन है, कमेंट कर लेना। सचिन तेंदुलकर, एक दो दिन पहले की बात है, इलेक्शन कमीशन इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इसके लिए। सौरव गांगुली किस लिए है, त्रिपुरा सरकार ब्रांड एम्बेसडर है। सिक्किम के है एआर रहमान, अरुणाचल प्रदेश के कौन है, संजय दत्त, और उत्तराखंड के ऋषभ पंत। ये कुछ महारत्न कंपनी, इंपोर्टेंट महारत्न कंपनी, टोटल 13 महारत्न कंपनी है। पहली महारत्न कंपनी है, पहली महारत्न कंपनी है भेल। ठीक है, ये भारत की पहली महारत्न कंपनी है, ये 2013 में इसको स्टेटस दिया गया था। और आखिरी महारत्न कंपनी है ऑल इंडिया लिमिटेड, 13वीं महारत्न कंपनी। टोटल महारत्न कंपनी 13 है भारत में। सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ONGC अरुण कुमार सिंह इसके चेयरमैन है, वो 1956 में बना था, भारत की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। आगे देखते हैं, ये है कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर, ये है पंकज त्रिपाठी, 2022 तक भारत के ब्रांड एम्बेसडर थे फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 2023 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर, और सेवलॉन इंडिया इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। ये है सुनील शेट्टी, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। ये है एआर रहमान, सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर है, और यूके इंडिया टुगेदर सीजन फॉर कल्चर इसके भी ब्रांड एम्बेसडर थे। यूनिसेफ इंडिया के लिए आयुष्मान खुराना ब्रांड एम्बेसडर थे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कौन सा रेसलर बना है भारत से, ठीक है, जिन्होंने अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीता है। इसका सही जवाब है अमित फंगल। अगर मैं ओजस देवताले की बात करूं तो ओजस देवताले कौन है, ये ओजस देवताले वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी कहां पे, बर्लिन में, इसमें यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट है। अदिति स्वामी वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी बर्लिन में, इसमें फीमेल कैटेगरी में यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन थी। रेणुका सिंह कौन है, ठीक है, इनको आईसीसी की तरफ से अवार्ड मिला था, कौन सा कमेंट कर लेना। आगे देखो, अगला सवाल है सवाल नंबर 5, ये क्या कह रहा है, भारत का पहला एआई स्कूल ये कहां पे शुरू किया जाएगा। देखो इसका लॉजिकली सही जवाब है केरला, स्टेट के हिसाब से देखो तो। अगर मैं सिर्फ केरल की बात करूं तो केरल में 4 ऑप्शन आएंगे आपको एग्जाम में, किस तरीके से, इस तरीके से आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका सही जवाब क्या है, तिरुवनंतपुरम। कोच्चि की बात करूं तो इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो ये यहां पे बना था। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई में हेडक्वार्टर है जीआई टैक का। बैंगलोर की बात करूं तो बैंगलोर में हेडक्वार्टर है इसरो का, ठीक है। वृषभावती रिवर पे है, बैंगलोर सबसे रहने के लिए अच्छा शहर है, बैंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है ऋतु करिधल कौन है,
ठीक है, एक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, कौन है? APJ अब्दुल कलाम। आपको यह बताना है ऋतु करिदल कौन है, इनको किस नाम से बोला जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, ये बुक्स के ऊपर है, ठीक है, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है विपुल रिखी। ठीक है, बुक्स का डिस्कशन करेंगे, बुक्स एंड ऑथर, देखो पहले है अनिता भरत शाह, कलर ऑफ डिवोशन, ये किताब लिखी है, रस्किन बॉन्ड किताब लिखी है, द गोल्डन ईयर्स, रूपा पाई किताब लिखी है, योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, सलमान रश्दी विक्ट्री सिटी, अ लाइफ वेल स्पेंट, सतीश चंद्रा, इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर ए के भट्टाचार्य, मेड इन इंडिया 75 ईयर, अमिताभ कांत, अमिताभ घोष, इन्होंने किताब लिखी है स्मोक एंड एशेस, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूड लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब ये किसके अभी रिकॉर्ड की गई है, किसकी रिकॉर्ड की गई है? चंद्रयान की। इसके पहले कौन सी किसकी रिकॉर्ड की गई थी लाइव स्ट्रीमिंग? फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें क्वार्टर फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी, 6.6 मिलियन। चंद्रयान की पूछे तो 8.8 मिलियन व्यूअरशिप यहाँ पे गई थी। सीएसके की बात करूं, सीएसके एंड गुजरात टाइटन, इसमें 3.2 करोड़ व्यूअरशिप गई थी फाइनल में। नागिन ये टीवी सीरियल है, इसकी टीआरपी सबसे ज्यादा है 2023 की बात करूं तो। अगला सवाल देखो, आठवां सवाल, ये क्या कह रहा है? स्टैटिस्टिक्स साइंटिस्ट ये गुजर गए, महानतम स्टैटिस्टिक साइंटिफिक ये गुजर गए, इनका नाम क्या था? इसका सही जवाब है CR राव। ठीक है, अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं, MSR राव, ये कौन थे? न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। VS अरुणाचलम की बात करूं तो VS अरुणाचलम ये DRDO के चीफ थे, DRDO बना था 195, 1998 बना था, DRDO के करंट चीफ है समीर कामत। एन विठल ये गुजरात से थे, IAS ऑफिसर थे, ब्यूरोक्रेट थे, ये भी गुजर गए। इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर वीडियो के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। आपका दिन शुभ रहे।